Assalamualaikum, welcome back to CyberMax Academy. Students, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा जिसमें आप C लैंग्वेज के प्रोग्राम और C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++, ठीक है। उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसका सेटअप किस तरह से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करने हैं, दोनों आज हम सीखेंगे, ओके? तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने अपने जो भी ब्राउजर इंस्टॉल है उस पर चले जाना है। यहां पर लिखना है आपने dev c++ free download, ठीक है, ये आपने लिखना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये सबसे पहली वेबसाइट है डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड सोर्स 4GE.net, ओके? तो आपने इस पर क्या करना है, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। सोर्स फॉर्ग नाम की वेबसाइट है ये, तो इस पर ये देखें डेव पड़ा हुआ है ना, यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है आपको। आपने क्या करना है, इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा आ रहा है कि योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, इतने सेकंड्स में। तो अभी यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है, ओके। तो ये स्टार्ट हो चुका है डाउनलोड, ये तकरीबन 48 MB का है, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। तो ये जल्द से जल्द डाउनलोड हो रहा है। तब तक आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी दोस्तों को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नज़र रखा करें, इस तरह के टेक वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट वगैरह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, उसके बारे में भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो जल्द से जल्द देख लेते हैं कब तक ये इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है, 48.1 MB की ये फाइल है। इसको क्या करते हैं, मैं इसको डाउनलोड वाले फोल्डर में इसको देख लेता हूं। तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर ये डाउनलोड हो चुका है। इसका वर्जन कौन सा है, 5.11 है, ये अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। तो यही आपने इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना। अब हम इसे करते हैं इंस्टॉल, किस तरह से करना है, इस पर सिंपल राइट क्लिक कीजिए या एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ से करता हूँ कट, और अपने जो सिंपल हमारा डेस्कटॉप है मैं उस पर ही इसे ले आता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसको करते हैं राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्टर, और इसके बाद क्या करना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनपैकिंग डाटा लिखा आ रहा है, ये लोड हो रही है फाइल। तो जल्द से जल्द ये लोड हो रही है, 41, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 एंड 100, ओके। तो ये अनपैक हो चुकी है, तो ये आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट है, इसको आपने कर देना ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, आई एग्री, ठीक है, तो आई एग्री पर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, और यहाँ पर इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो ये जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर एक्सट्रैक्ट होंगी और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ओके। विद इन फ्यू सेकंड्स ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपकी कंप्यूटर की स्पीड पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी इंस्टॉल करता है। 48 MB की फाइल है तो तकरीबन सब कंप्यूटर्स में जल्दी हो जाएगा इंस्टॉल, ओके। तो आप इसकी स्पीड देख सकते हैं ये कितनी तेज़ी से हो रही है। बाकी फिर से याद करवा दूं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपने, ओके। तो देख सकते हैं ये हो चुकी है कंप्लीट इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर आइकॉन भी आ गया ना इसका, ये सेटअप पड़ा हुआ है और ये इसका आइकॉन आ गया शॉर्टकट। तो वो कह रहा है कि जैसे फिनिश पर क्लिक करेंगे तो क्या इसको रन करना है, नहीं अभी हमने रन नहीं करना है, इसको कर देता हूँ मैं फिनिश। और यहाँ पर ये जो सेटअप है इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, और वापस जहाँ से मैं लेके आया था इसे यहीं पर ही मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ऑफ, और क्या हुआ कि ये डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ, इसको मैंने डबल क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि डेव सी प्लस प्लस का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट और ओके कर देना है। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया। ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है ये डेव सी प्लस प्लस का है।
यहाँ से आप फाइल क्रिएट करेंगे, ये आपको आपके टीचर्स बता देंगे कि किस तरह से क्रिएट करनी है। बल्कि अगर लेक्चर्स आएंगे इस चैनल पर ही आएंगे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सिंपल मैं बता देता हूँ कि फाइल क्रिएट कैसे करनी है। फाइल यहाँ से न्यू का ऑप्शन है, न्यू फाइल क्रिएट करनी है आपने। अगर कोई फाइल पहले पड़ी हुई है तो उसको ओपन यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से जाकर सोर्स फाइल क्रिएट करते होते हैं। तो यहाँ पर आप कोडिंग करेंगे, अगर सी की है जिस तरह सिंपल सी की क्या होती है, इंक्लूड डॉट यहाँ पर स्टूडियो, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल ऐड की, ठीक है, और कंट्रोल एस से इसको सेव कर सकते हैं आप जहाँ भी आपने इसको सेव करना है। ओके, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये इसका इंटरफेस है, बाकी प्रोग्राम्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, और अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किया तो वो भी कर लेना है, उसकी वीडियो के आखिर पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर आपको नजर आ रही होगी, तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ओके, तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीरीनो, अल्लाह हाफिज़।